Fantasy and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. तो आप सबकी वार्म वेलकम के साथ में, जोरदार क्लिपिंग के साथ में मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा, श्रीमान मुकेश सर. प्लीज वेलकम कोटेरी सर. आप सबकी जोरदार तालियां के बीच में सर को इनवाइट करेंगे. प्लीज वेलकम. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धनराज जी भाटी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद. और तमाम हिंदुस्तान के जो लीडर्स आज मौजूद हैं, मैं उनको बहुत बहुत सत सत कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं. और निश्चित रूप से आज का दिन कुछ ऐसा यादगार हमारी जिंदगी में रहे, उसका पूरा प्रयत्न मेरी तरफ से रहेगा. 23 साल का जो अनुभव है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे. और ये सितंबर का जो महीना है क्यों हमारे लिए खास है, क्या इस सितंबर के महीने में हम इतिहास रच सकते हैं, सितंबर के महीने में काम करने से हमारे जीवन में किन किन तरह के बदलाव आएंगे, ये सारी बातें अब मैं आपके सामने वन बाय वन करके रखूंगा. आप लोग अगर तैयार हैं सब लोग, तो मैं बात अपनी चालू करूं. उससे पहले एक बार ओके. धन्यवाद. मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं राजस्थान भीलवाड़ा का रहने वाला हूं. जिस सिटी से आज मैं बात कर रहा हूं, इसी सिटी में मेरा जन्म भीलवाड़ा में हुआ 1973 में. और सन 2000 में इस बिजनेस की मैंने शुरुआत की, यानी 23 साल पहले. उस समय एकदम छोटा बच्चा हुआ करता था, 26 साल की मेरी एज हुआ करती थी, 26 की. और जब मैं इस बिजनेस को लेकर लोगों के पास जाता था, बड़े बड़े बुजुर्गों के पास जाता था, तो कई तरह की बातें मुझे सुननी पड़ती थी. और मजे की बात है, वो सारी बातें आज मैं आपसे करूंगा. अगर आपके साथ ऐसा ही कोई नजारा हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है. पूरी दुनिया में हर चीज को साबित करके बताना पड़ता है. पूरी दुनिया झुकने के लिए तैयार होती है, झुकाने वाला होना चाहिए. और वो सारी बातें आपके सामने रखेंगे. तो 1973 में जन्म के बाद, अपनी इंटर एजुकेशन लेने के बाद, इसी भीलवाड़ा के अंदर मैंने एक प्राइवेट नौकरी से अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया, 750 रुपए की सैलरी से. 750 रुपए की नौकरी क्यों करनी पड़ी, क्योंकि पिताजी जो है डिफेंस सर्विस में थे और रिटायर्ड हो गए थे जब मैं 9 साल का था. डिफेंस में थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा. और जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ तो माँ अचार पापड़ चटनी बनाकर घरों घरों में बेचा करती थी. पिताजी की 250 रुपए पेंशन आया करती थी. 6 भाई बहनों का परिवार था, पूरी फैमिली का सबसे छोटा सदस्य मैं हूँ. अभी तो 6 बच्चों की बात करें तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है. आज के दौर में अगर किसी से बोले कि भाई आपके कितने बच्चे हैं, और कोई अगर गलती से बोल दे कि 6 हैं मेरे, तो हम बहुत देर तक उसके ऊपर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं यार बच्चे और वो भी 6. लेकिन ये आज की बात नहीं है. आज के 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने एक ऐसा धुआंधार काम किया जिसका विश्व लोहा लेती है. और उसी धुआंधार काम की वजह से आज हम पूरी दुनिया में नंबर 1 है, यानी बच्चे पैदा करने में नंबर 1. और इस वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान टॉप पर आ गया. तो आज के 60, 70, 80 साल पहले, 90 साल पहले इस तरह के परिवार नियोजन वाली बातें नहीं होती थी, इतना सोच नहीं होती थी कि एक बच्चा, दो बच्चा, एजुकेशन, ये वाली बात नहीं होती थी. और हमारे पड़ोस में तो भाई साहब लोडा साहब थे, उनके 13 बच्चे थे. तो पूरे मोहल्ले में सबसे छोटी फैमिली मेरी थी, आप इस चीज को समझ जाइए. तो 6 भाई बहनों की फैमिली थी और सबसे छोटा मैं खिलाड़ी था. तो माँ बाप चाहते थे कि किसी तरह मैं भी पढ़ लिख जाऊं. और पढ़ाई लिखाई में वो मुझे पूरा सपोर्ट करते थे, लेकिन मेरी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई की कोई ज्यादा आदत नहीं रही है. और मैं पढ़ाई लिखाई में ज्यादा होशियार नहीं था, सिर्फ पढ़ता इसलिए था कि पिताजी डिफेंस वाले आदमी थे, डिसिप्लिन वाले आदमी थे. ऊपर से चलते चलते स्क्वायर कट यानी थप्पड़ तो वो कभी भी मार देते थे, तो उनके डर से हम लोगों को पढ़ना पड़ता था. लेकिन एक चीज के प्रति मैं बचपन से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हुआ करता था, वो चीज थी पैसा. जी हाँ, पैसा. दुनिया में ये पैसा क्या काम कर देता है आपको अच्छी तरह पता है. ये दुनिया में पैसा किस आदमी को कितना नजदीक लाता है और ये पैसा किस आदमी को कितना दूर ले जा सकता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं. मजे की बात है, जब हम जवान होते हैं तो हम कहते हैं कि प्यार हो गया तो फिर पैसे को क्या देखें. लेकिन जब जवानी के बाद जो ही हमारा जीवन चालू होता है फैमिली के साथ, तब हमें पता चलता है कि इस पैसे का क्या महत्व है. और तभी किसी शायर ने कहा कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की ही कसम, खुदा से कम भी नहीं. तो पैसे का महत्व आप लोगों को
20 22 साल 25 साल की एज में समझ में आया होगा, लेकिन मैं जब छोटा था छठी क्लास में तब पैसों का महत्व मुझे समझ में आ गया, क्योंकि घर में जब भी कोई तनाव होता था टेंशन होती थी तो उसकी वजह पैसा होती थी। और मेरे दिमाग में फिट था कि मुकेश कोठारी पैसा कमाने, छठी क्लास का बच्चा अगर पैसा कमाने के बारे में सोचे तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कैसे दुनिया वाले उसके ऊपर हंसेंगे। तो जिस निश्चित रूप से मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं जिसको भी कहता था कि मुझे पैसा कमाना है तो लोग बाग मेरे कंधे पर हाथ रख के मेरे सिर पर हाथ रख के मुझे आशीर्वाद देते थे। वो कहता बिल्कुल एक दिन ऐसा आएगा कि तू खूब पैसा कमाएगा। मैंने कहा एक दिन नहीं, मुझे आज पैसा कमाना है। तो बहुत हंसते थे वो मेरे सिर पर हाथ रख के कहते बेटा अभी बहुत समय बाकी है तेरे पैसा कमाने में, तो अभी गिल्ली डंडा खेल क्रिकेट खेल, इतने बच्चे तेरे साथ है दोस्त है इनके साथ दोस्ती निभा, तो किस बिजनेस की बात कर। कोई मेरी बात पर सीरियस नहीं होता। और आपको आश्चर्य होगा कि आपको अभी जब ये बिजनेस चालू होगा तो आपके ऊपर कोई सीरियस नहीं होगा। जो मेरे साथ था वो आपके साथ भी होगा, कोई सीरियस नहीं होगा, क्योंकि आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो आपकी पीढ़ियों में नहीं हुआ है, जो आपके खानदान में नहीं हुआ है, जो आपके दोस्तों के बीच में कभी नहीं हुआ, वो काम आप करने जा रहे हैं। तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे और लोग मेरे ऊपर भी हंसते खूब हंसते। और मजे की बात यह है कि जब लोग हंसे ना तो हमें क्या करना। ये टेक्नोलॉजी जिस दिन आप समझ गए, तो दुनिया के 100 विद्वानों की कहानी को मैंने पढ़ा है, दुनिया के 100 लीजेंड के 100 अरबपतियों की कहानी को मैंने पढ़ा है, सबका एक ही काम था कि लोग हंसते थे वो प्रण करते थे, लोग हंसते थे और वो प्रण करते थे। जब इब्राहिम लिंकन अपने जीवन में 17 बार अनसक्सेस हुआ तो उन्होंने प्रण किया कि मैं कामयाब होके बताऊंगा, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गए। अगर राइट ब्रदर की बात करें तो 100 से ज्यादा प्रयोग सफल हुए थे। जब भी लोग बात कहते थे तेरा दिमाग खराब हो गया है, आदमी भी कभी उड़ता है, तो प्रण लेते थे एक दिन उड़ा कर बताऊंगा, और उन्होंने उड़ा दिया। एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो हजारों प्रयोग उनके असफल हुए, लेकिन उन्होंने प्रण किया मैं जलाकर बताऊंगा, दिन में सूरज पैदा करके बताऊंगा। और मजे की बात है 100 विद्वानों की कहानी के बाद मुझे समझ में आया कि प्रण दुनिया को नहीं करना है, दुनिया आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं होगी। सबसे पहले दुनिया देखती है कि इसका दिल और दिमाग इसके साथ है कि नहीं। दिल और दिमाग का मतलब है काम करना पैसे के लिए और मन से काम करना, दोनों में अंतर है। पैसों के लिए अगर काम करना है तो आरसीएम बिजनेस को अंतिम प्रायोरिटी माननी चाहिए आपको, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में फ्यूचरिस्टिक इनकम आती है, तुरंत इनकम नहीं आती। तुरंत इनकम तो केले बेचने से आती है। जाइए 100 किलो केले लीजिए, एक चौराहे पर खड़े हो जाइए, एक दिन में जितने केले बेचेंगे तुरंत उतनी इनकम हो जाएगी। इनकम तो किराने की दुकान खोलने से होती है, इनकम तो जूते की दुकान खोलने से होती है, इनकम तुरंत तो नौकरी करने से और मजदूरी करने से होती है। इनकम कभी भी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस से नहीं होती। और इनकम की बात यह है कि जो फ्यूचर पर काम करता है उसके पास इनकम दौड़ती है, उसके साथ इनकम भागती है, लेकिन जो इनकम के पीछे भागता है वो 90% इस दुनिया के आम आदमी होते हैं जिनको भविष्य की चिंता नहीं, आज उसका ठीक हो जाना चाहिए, और जो आज पर फोकस करता है वो कहां पर रह जाता है। तो जब मेरा किसी ने भी सहयोग नहीं दिया तो मैंने प्रण कर लिया कि मैं करके रहूंगा। आपका जब कोई सहयोग नहीं देना तो आप मन से एक प्रश्न पूछो, मैं करूंगा और करके रहूंगा, बता कैसे करूं। इस दिमाग का अपना कोई दिमाग नहीं होता, ये दिमाग का अपना कोई दिमाग नहीं होता, ये दिमाग आपका गुलाम होता है। इस दिमाग को जो प्रश्न पूछोगे वही उत्तर देगा। अगर आप दिवालिया हो गए हैं, दिमाग को भागने के प्रश्न पूछोगे तो दिमाग कहेगा खिड़की से कूद कर भाग जा, लेकिन दिमाग से कहोगे कि मैं जिस शर्म से नहीं जीना है, मैं इन लोगों के सामने अपनी कॉलर ऊंची करके जीना चाहता हूं, तो दिमाग कहेगा मेहनत कर, लोगों से जाकर माफी मांग, लोगों से समय ले, और आपका दिमाग आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। दुनिया आपके साथ खड़ी हो या ना हो, आपका दिमाग आपके साथ हमेशा खड़ा है। तो मैंने प्रण किया कि मुझे बिजनेस करना है, क्या करना पड़ेगा। तो दिमाग ने कहा तेरा भाई तेरा तुझे ही कमंडल उठाना पड़ेगा, क्या करूं। तो मेरे दिमाग में मेरे ऑप्शन आए, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। पॉजिटिव एक्शन के बारे में सोचा तो दिमाग ने कहा भाई तेरे को 2 पैसे 3 पैसे 5 पैसे रोज टॉफी खाने के मिलते हैं, तो उनको इकट्ठा करना चालू कर दे। और आपको आश्चर्य होगा कि मैंने पूरी छठी क्लास में मैंने एक टॉफी नहीं खाई। प्रण के अंदर कितनी ताकत होती है आप इसको समझने की कोशिश करें। जब मेरे दोस्त मेरे साथी मेरे सामने लॉलीपॉप खाते थे ना,
तो बहुत दर्द होता था, लेकिन जब मैं प्रण को याद करता था, टारगेट को याद करता था, तो लॉलीपॉप साइड में हो जाती। और मैंने 1 रुपया 60 पैसा इकट्ठा कर लिया, मेरे भाई से मैंने 1 रुपया 60 पैसा उधार लिया। प्रश्न यह है कि मेरे भाई का तो कोई टारगेट नहीं था, तो उसने पैसे क्यों इकट्ठे किए? मेरे भाई, जीवन में संगत का बहुत असर होता। मेरा भाई मेरी साथ था, तो मेरे भाई को लगा कि अगर ये पैसा इकट्ठा करेगा तो अमीर तो ये बन जाएगा ना, तो मेरे कंपटीशन में आकर वो भी पैसा इकट्ठा करना चालू करे। आप भी कामयाब लोगों की संगत में रहिए। अगर कामयाब लोग जो पूरे दिन भर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो पूरे दिन भर सपनों की बातें करते हैं, टारगेट की बातें करते हैं, जो पूरे दिन भर कहते हैं कि मुझे जीवन में बड़ी कार लानी है, बड़ा मकान बनाना है, उन लोगों के साथ रहने से वो लोगों की सोच आपके अंदर आती। आतंकवादियों के साथ रहोगे तो आतंकवादी बन जाओगे, गली के आवाराओं के साथ रहोगे तो आवारा बन जाओगे, लेकिन जब कामयाब बिजनेसमैन के साथ रहते हैं तो कामयाब बिजनेसमैन की जैसी थॉट आपके मन में आती। मेरे भाई से मैंने 1 रुपया 60 पैसा उधार लिया, 3 रुपए 20 पैसे इकट्ठे हो गए। अब चालू करना था बिजनेस। बिजनेस करने के लिए एनालिसिस करना पड़ता। एनालिसिस कैसे? कि मेरे पास कितनी पूंजी है, मेरे पास कौन सा सर्कल है, मेरे पास कितना नॉलेज है, मेरे पास कितना ज्ञान है, उसके आधार पर आपको बिजनेस करने का निर्णय लेना। आप दूसरी क्लास पास हैं और आप कहते हैं मैं सॉफ्टवेयर का बिजनेस करूंगा, फेल हूं। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसके ऊपर आपको काम करना। आप किस जगह पर रहते हैं, आपका सर्कल क्या है, उस पर आपको कामयाब, उससे आपको कामयाबी। मर्सिडीज का शोरूम सब्जी मंडी में खोल दोगे, नहीं चलेगा। तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी का शोरूम तुम सब्जी मंडी में खोल दोगे, नहीं चलेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि हम अपने क्षेत्राधिकार का पता नहीं लगा पाते, कि हम किस आसपास में हमारे सर्कल के लोग क्या हैं, उसको हम समझ नहीं। तो मैंने एनालिसिस किया, क्या बिजनेस करो, क्या बिजनेस करो, क्या बिजनेस करो, तो दिमाग में एक आइडिया आया। आप इससे पूछे तो सही ना, ये आपका गुलाम, ये गुलाम, इससे बड़ा कोई गुलाम नहीं है, इसको हावी मत हो देना, ये वही करता है जो आप कहते। तो मैंने अपने दिमाग से पूछा क्या करूं, क्या करूं, तो दिमाग ने एनालिसिस किया कि तेरे सर्कल कौन है, तेरे सर्कल तो सारा दोस्त है, दोस्त कौन से, जो बच्चे हैं, बच्चे की एज क्या है, एज तो सबकी 15-20 साल से नीचे नीचे है, तो ये तेरा सर्कल है, फ्यूचरिस्टिक कस्टमर तेरे ये है, तो तुझे किसकी दुकान खोलनी चाहिए। तो दिमाग में आइडिया आया कि ये सारे दोस्त पतंग उड़ाते हैं, पतंग गर्मी की छुट्टियों में उड़ाते हैं, मैं पतंग की दुकान लगा। मैंने अपने ग्राहकों के आधार पर निर्णय लिया जो मेरे फ्यूचरिस्टिक कस्टमर थे, और मैंने पतंग की दुकान लगाने के लिए 3 रुपए 20 पैसे से मैंने पतंग की दुकान लगाई। उस समय जमाने में 3 पैसे 5 पैसे में पतंग आती थी, 10 पैसे में 15 पैसे में तो बहुत बड़ी वाली पतंग आती। पतंग की दुकान लगाई और आपको आश्चर्य होगा कि 3 महीने में, मात्र 3 महीने में अपने पैसे को मैंने 6th class में डबल कर, 6th standard। एक सफलता तुम्हारा दिमाग किस तरह खोल देती है वो मैं आपको बताने वाला। ये सितंबर महीने की रॉयल्टी तुम्हारे जिंदगी को कैसे परिवर्तन कर देगी वो मैं तुम्हें बताने वाला। हम अगर धीरे धीरे चल रहे हैं तो उसका हमारे बिजनेस पर क्या असर आएगा, और हम तेज चलेंगे तो हमारा बिजनेस में, हमारी टीम पर इसका क्या असर आएगा, ये चीज आपको समझाना चाहता हूं। 90% लोग बनिए बुद्धि की तरह से बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हुए देखते हैं स्लेब कितनी क्रॉस होनी है, 15,000 की परचेजिंग डाल दूं या निकाल दूं, टीम की परचेजिंग डाल दूं या निकाल दूं, मेरा पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे मेरे भाई, बड़ा बिजनेसमैन कभी इस तरह से काम ही नहीं करता जो आप कर रहे हैं। बड़ा बिजनेसमैन तो गेम खेल जाता है अपनी ताकत के हिसाब से। धीरू भाई अंबानी ने अपने गेम खेले थे और मुकेश अंबानी ने अपने गेम खेले। मुकेश अंबानी क्योंकि करोड़पति था तो उसने बड़ा गेम खेला, रिलायंस जियो को लॉन्च कर दिया, और आपको आश्चर्य होगा कि एयरटेल बादशाह हुआ करता था हिंदुस्तान। रिलायंस जियो लॉन्च किया, हालांकि उसकी ताकत थी पैसों की, तो पहला ही बजट 90 लाख करोड़ का। बोर्ड में बात की उसने, इनकम कितनी आएगी, वो कहे 3 साल तक जीरो। तो सारे बोर्ड मेंबर ने कहा ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे हैं आप, वो कहे मेरे भाई मैं फ्यूचरिस्टिक बिजनेस कर रहा हूं,
एक बार नेटवर्क खींचूंगा लाइफ टाइम का काम करूंगा। कस्टमर बनाने के लिए उसने लोगों की आदत डाल दी, फ्री में कनेक्शन, फ्री में सिम, फ्री में डाटा, फ्री में बातें। और आपको आश्चर्य होगा कि डेढ़ साल में 40 करोड़ कनेक्शन कर डाले उस आदमी। उसका नतीजा है कि 70 करोड़ उसके कनेक्शन है। एक कनेक्शन से 300 रुपए भी एवरेज पैसा आए तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, 70 करोड़ × 300 रुपए तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि एक महीने की इनकम। फिर सोचना पड़ता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई मैं पतंग की दुकान मैंने लगा दी, अब तो ये गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई है, अब क्या करूं। तो फिर दिमाग से पूछा क्या करूं, तो दिमाग ने आइडिया लगाया कि यार तुझे कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहिए। तो अब मैं क्या करता था, हर सीजन में ये संभालता था कि मैं इस बिजनेस में अपना बिजनेस कैसे करूं। दिवाली आती थी, मैं फायरवर्क्स यानी फटाकों की दुकान लगा लेता था। होली आती थी, लोग कलर लगाने की प्लानिंग करते थे, मैं कलर की दुकान लगा लेता। राखी आती थी, लोग राखी बनवाने की तैयारी करते थे, मैं राखी की दुकान लगा लेता। लेकिन ये पार्ट टाइम था, फुल टाइम क्या करें। तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त ना कंचे खेलते हैं, गोटी खेलते हैं, तो जिस मैदान में मेरे सारे दोस्त गोटी खेलते थे ना, मैं उसी मैदान में गोटी की दुकान लगाता। और आपको आश्चर्य होगा कि मैं 9वीं 10वीं क्लास में था ना, उस समय मेरे टीचर से ज्यादा इनकम मेरी हुआ करती थी, पार्ट टाइम टीचर से, वो भी गवर्नमेंट टीचर से ज्यादा हुआ करती। 11वीं 12वीं में आते आते कुछ और बिजनेस करना चालू कर दिया, अनसर्टेन से। हालांकि मुझे शर्म नहीं आती सच बोलने में, गैस के सिलेंडर की बहुत कमी थी हिंदुस्तान में, हमने उसको ब्लैक करना चालू कर दिया। एक बार मैं गैस का सिलेंडर रिफिल कराने गया तो पता चला कि एक आदमी को अर्जेंट गैस के सिलेंडर की जरूरत थी, तो वो जो वेंडर था जिससे गैस का सिलेंडर ले रहा था, तो वेंडर ने उसे 150 रुपए एक्स्ट्रा मांगे। वहीं से मेरे दिमाग में बिजनेस आइडिया क्लिक हुआ, अरे भाई 150 रुपए तो बहुत अच्छी मार्जिन का बिजनेस है, ये सिलेंडर कैसे मिलेंगे। तो दिमाग दौड़ाया कैसे मिलेंगे, तो पता चला कि एक फैमिली को सरकार 2 सिलेंडर महीने के देती है, तो हमें छोटी फैमिली को ढूंढना पड़ेगा जिनको मिलते 2 हैं इस्तेमाल 1 ही हो। तो मैंने उन दिनों में लिस्ट बनाई है, आज आपको कहा जाता है लिस्ट बनाइए, हमने उन जमाने में 11वीं क्लास में लिस्ट बनाई, पूरे मोहल्ले के लोगों के नाम लिखे और किसके अंदर कितने मेंबर लिखे, और जो भी छोटी फैमिली थी उनको जाकर प्लान समझाते थे कि भाई साहब सरकार आपको महीने के 2 सिलेंडर देती है, इस्तेमाल तो 1 ही करते हो, तो आप सरकार से 2 ले लो और 1 मुझे दे दो। और मजे की बात है, मैं उनको 100 रुपया एक्स्ट्रा दे देता था तो वो खुश हो जाते थे, 100 रुपये एक्स्ट्रा में सिलेंडर लेकर 150 रुपये एक्स्ट्रा में दे देते। ना मेरी कोई पूंजी लगती थी, सिर्फ संपर्क का खेल, सिर्फ नॉलेज का खेल। उस जमाने में हम ऐसे बिजनेस को तलाशा करते थे, पैसे लगाकर पैसे कमाना तो अरे बच्चे का खेल है, पैसे लगा के कोई पैसा कमाया जाता है। आज मेरे पास खूब सारा पैसा है, तो पैसा अगर है तो फिर कमाने की क्या जरूरत है मेरे भाई। मेरा पैसा बैंक में रहता है ना तो इंटरेस्ट आता है, मेरा पैसा जमीन जायदाद में रहता है तो उसकी रेट डबल हो जाती है, मेरा पैसा मैं शेयर में इन्वेस्ट करता हूं तो शेयर महंगा हो जाता है। पैसे वाला तो पैसे वैसे ही कमा लेगा, पैसे लगाकर बिजनेस कमाना, बिजनेस करना बहुत बड़ी गणित नहीं। लेकिन एक ऐसा कारोबार जो बिना पैसों के साथ हो जाए। और मजे की बात है, मैंने उस जमाने में बात सीखी थी और 2-2.5 हजार रुपए कमा लेता था। पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी, पैसे जेब में हमेशा रहते थे। ये पैसे का दम भाई कितना बड़ा होता है आपको क्या बताऊं, ये पैसे में बहुत ताकत होती है। ये पैसा जिसके जेब में होता ना, उसको जिम में नहीं जाना पड़ता, उसका सीना 5 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक बाहर निकला हुआ ही रहता, सीना तान कर चलता है जब वो स्थिति में चलता है। मेरे साथ ऐसा ही 12वीं क्लास में जब मेरे दोस्तों के पास 54-58 रुपया जेब में होता था ना, तब मेरे पास 2000-2500 रुपये जेब में रहा। ये 2-2500 की ताकत बताऊं, जितने भी गुंडे मवाली बदमाश क्लास के जितने भी बदमाश बच्चे, स्कूल के जितने भी बदमाश बच्चे ना, वो मेरे खासम खास यार हुआ करते। क्यों? क्योंकि उनके खाने पीने का इंतजाम हम किया करते। मेरा वजन 48 किलो का था उस समय, 48 kg ओनली। 70 किलो के जवान मुस्टर्न लोग जो 3-3 साल तक एक ही क्लास में फेल हो रहे थे, जिससे पूरी स्कूल का हर आदमी दूसता था,
वो थोड़ी थोड़ी देर में मेरे पास आते थे 70 किलो के आदमी और बोलते थे मुकेश जी हुक्म करो। 48 किलो के आदमी को बोल रहे हुक्म करो। अरे भाई ये पैसों में कितनी ताकत है तुम्हें पता ही नहीं है, ये पैसा आदमी को कहां से कहां पहुंचा दे। लेकिन जैसे तैसे पढ़ाई करते थे, पढ़ाई में रुचि नहीं हुआ, कॉपी करने के माहिर खिलाड़ी थे, उस समय भी हमें कॉपी करना आता था। और आज भी मैं आपको यही सलाह देता हूं, जो काम पहले हो चुका है ना उसके अंदर दिमाग मत लगाओ, उस पर कॉपी कर। एक आदमी दिल्ली जा चुका है और दिल्ली जाने का अनुभव है, तो आपको दिल्ली जाने से पहले उससे पूछना है कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हर बार अपना नया अनुभव लेते हैं। अरे मेरे भाई, अगर पहिए का आविष्कार एक बार हो गया है तो बार बार करने का फायदा क्या होगा, ये बताओ तो सही मुझे। जो काम पहले हो चुका है, बेसिक कोर कार्डिनल अगर पहले अनुभव के आधार पर लिखे जा चुके हैं, तो अब आप अलग से दिमाग लगाकर कर क्या लेंगे। ये मुकेश कोठारी ने थोड़ी लिखे, ये 70 साल पुरानी इंडस्ट्रीज है और 70 साल से जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं उन लोगों का अनुभव है। आप अपना दिमाग लगाओगे तो कुछ भी हासिल नहीं। जैसे तैसे एग्जाम पास किया कर लेते, बीकॉम हो गई। जब बीकॉम हुई थी ना, मैं 2500-3000 रुपए पार्ट टाइम कमाता, लेकिन मैं जो पैसा कमाता था ना उसको समाज में रिकॉग्निशन नहीं। जैसे आज डायरेक्ट सेलिंग को रिकॉग्निशन थोड़ी अब मिलती जा रही है, लेकिन 23 साल पहले जब हम डायरेक्ट सेलिंग करते थे ना तो कोई रिकॉग्निशन नहीं थी। किसी पढ़े लिखे के पास प्लान लेकर जाते थे तो पढ़ा लिखा आदमी कहता था, भाई साहब नौकरी नहीं लगी क्या आपकी, आप कोई काम धंधा नहीं करते हैं क्या, आप ये किट का बिजनेस क्यों कर रहे हैं। एक भी पढ़ा लिखा आदमी, वो सारे लोग यही समझते थे कि जिनके पास कोई काम नहीं है, दुनिया का जो सबसे फालतू आदमी है दुनिया में, जिसने जिसको किसने काम नहीं दिया, वो डायरेक्ट सेलिंग करता। मैंने 23 साल पहले अपनी जिंदगी को जी के देखा है, मेरी टीम ने जिंदगी को जी के देखा है। आदरणीय सुरेंद्र वल जी है, विजेंद्र सिंह जी राठौड़, राकेश शर्मा जी, प्रहलाद राय जी, इन्होंने इस जिंदगी को जी कर देखा है 23 साल पहले। अब घर वालों को कहें कि मैं पैसा कमा रहा हूं तो घर वाले कहते हैं पैसे से मतलब नहीं है। लोगों को क्या कहेंगे, सिलेंडर ब्लैक करता है, लोगों को क्या कहेंगे, तेरी कोई दुकान है क्या। हालांकि काम तो गड़बड़ था मेरे भाई, मैं और कुछ भी कर सकता था, लेकिन माता पिता को लगा कि नौकरी से ही निहाल होने वाली, तो पिताजी ने क्लियर कट कह दिया कि अगर तू नौकरी नहीं करेगा तो घर से बाहर। मैं जैसे तैसे एक नौकरी मैंने संभाली और मुझे पहले मैंने काम करने के बाद 750 रुपए दिए गए, 750। 3000 रुपए पार्ट टाइम कमाने वाले को 750 रुपए। उसी समय हमने बाहर आके गाना गाया, तेरी दुनिया में ना रखेंगे कदम आज के बाद। लेकिन नौकरी छोड़ना हमारे लिए आसान बात नहीं थी, क्योंकि पिताजी ने कसम खा ली थी कि नौकरी करवाऊंगा, छोड़ नहीं सकता। लेकिन नौकरी के दौरान भी उल्टे पुल्टे काम करते रहे, सारे दोस्त काम खत्म जल्दी अगर हो जाता था ना तो चाय पीने चले जाते थे, कचोरी खाने चले जाते। हम उन दिनों में भी काम खत्म करके बॉस की केबिन में जाते, लोग कहते थे पागल हो गया है क्या, काम खत्म हो गया तो एज करना। लेकिन मेरे सोचने का तरीका उस जमाने में भी अलग था, मैंने कहा मैं बॉस की केबिन में इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं फ्री हो गया हूं, मैं बॉस की केबिन में इसलिए जा रहा हूं ताकि मैं पता लगा पाऊं कि मेरा बॉस ऐसा क्या करता है कि मेरा बॉस बन गया। जो भी बॉस आता था ना, 3 से 4 महीने में उसका काम सीख जाता था और उसको पंगु बना देता। 6 साल की नौकरी में उस पूरी कंपनी का डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर 13,000 की से 13,000 की सैलरी कब हो गई, 1999। नौकरी के दौरान भी हाथ पर चलते रहते, दिमाग बंद नहीं होता था, तलाश जारी रहती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते ना, वो जीवन मान लेते हैं, नौकरी लग गई गवर्नमेंट टीचर बन गया, वो सोचता है यही जीवन है, एक दुकान खोल ली पान की, यही जीवन। उस जमाने में 13,000 सैलरी लेने के बाद भी मुझे लगता था कि मेरा जन्म इसके लिए नहीं हुआ। कंपनी मुझे मार्केटिंग टूर के लिए भेजती थी, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई,
तो मैं क्या करता था, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता चेन्नई में रात को 8 बजने के बाद मेरे सारे साथी ढक्कन खोलकर पार्टी करते। ढक्कन किसका खोलते हैं समझाने की जरूरत है या समझ गए? आई थिंक आप समझ गए होंगे, आई लव यू। सब लोग ढक्कन खोलकर पार्टी करते थे और हम ढक्कन खोलकर पार्टी नहीं करते थे, हम करते थे उस शहर की विजिट, पता लगाते थे। कलकत्ता में जाते थे तो कलकत्ता में पता लगाते थे, दिल्ली में जाते थे तो दिल्ली में पता लगाते थे कि ऐसा इस सिटी में क्या मिलता है जो मेरे भीलवाड़ा में नहीं मिलता। साला मैं भीलवाड़ा में ले जाऊंगा और बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा। कभी 4,000 का सीडी प्लेयर लाकर 5,000 का बेच देते, कभी 250 रुपए की शर्ट को 150 लाते थे और 300 रुपए में बेच देते थे, और जब 13,000 की सैलरी थी ना तो पार्ट टाइम 13,000 कमा लेते। सब कुछ जीवन में ठीक चल रहा था। आज मैं जिस ऑफिस में, अभी ये मेरा साइट ऑफिस है, साइट ऑफिस का मतलब जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पर एक ऑफिस होता है, वो ही ऑफिस है, मेरा ही ऑफिस है। इसी प्रांगण में 38,000 फीट की जगह है, 25 करोड़ रुपए का मकान बन रहा है मेरा, और मैं वहीं से बात कर रहा हूं। और अगली मेरी जो भी मीटिंग होगी मैं पूरा भ्रमण कराऊंगा आपको मकान का। 28,000 फीट का तो मेरा केवल गार्डन है, वहां पर हमने झोपड़ी बनाई है और एक मंदिर बना रहे हैं जिसमें स्कूटर रख रहे हैं। सोच का कमाल बताना चाह रहा हूं मैं आपको, किस आदमी को कौन सी सोच कहां तक ले जाती है वो मैं समझाना चाह रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग का प्लान सन 2000 में मेरी ही कंपनी में मेरे बॉस, और मुझे गर्व होता है कि इसी अप्लाइंग इस बिजनेस में मुझे मिली मिस्टर प्रहलाद राय जी मेघवंशी। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजनी चाहिए, मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी जी ने मुझे पहली बार डायरेक्ट सेलिंग का कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग का प्लान बताया। उस समय तो मुझे ये पता भी नहीं था कि ऐसा भी कोई बिजनेस। सारे लोग जब इस कान से सुनकर इस कान से निकाल रहे थे तो मैं सोच रहा था ऐसा क्या है जो पहली बार हो रहा है, तो मुझे लग रहा था कि इस पूरे प्लान में सब कुछ पहली बार हो। लोगों को अभी तो एनालिसिस करते हैं, मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था। मैंने उनको पहला प्रश्न किया, जो बिजनेस करेंगे उसमें कितना पैसा लगेगा? उन्होंने कहा पैसा तो जीरो लगेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, फिर मैं सूटेबल हूं। अच्छा बताइए इस बिजनेस में अगर मैं करूंगा काम तो कितना समय दुकान पर बैठना पड़ेगा? उनका दुकान होती नहीं और बैठना पड़ेगा नहीं, आपके मुताबिक करो। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं इस बिजनेस का सूटेबल हूं। तो भैया कितनी रिस्क लेनी पड़ेगी? कि पैसा नहीं लगाओगे तो रिस्क कैसा होगा? रिस्क नहीं होगा। अच्छा फिर मेरे बॉस कौन कौन होंगे? वो कहा भाई इस बिजनेस में कोई बॉस नहीं। और बाप रे, मैंने जो जो भी पूछा उसने ऐसा उत्तर दिया जो मैंने सोचा ही नहीं था लाइफ के अंदर। फिर मैंने कहा क्या करना पड़ेगा? वो कहा भैया एक कंसेप्ट आपको बताया जाएगा और उस कंसेप्ट को आपको लोगों को बताना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर फिर पैसा कितना आएगा? पैसा स्काई इज द लिमिट, जितना चाहो उतना ले सकते हो। मैंने कहा फिर तो कोई बहुत लंबी चीज याद करके बतानी होगी कि नहीं? कोई लंबी चीज याद करके नहीं बतानी होगी, आपको सिंपल सा एक प्लान होगा, उसको पहले समझना होगा और उसके बाद आपको बताना पड़ेगा। लोग कपड़ा देख रहे थे, आरसीएफ का कपड़ा था ना, तो लोग कपड़ा देख रहे थे, हम प्लान देख रहे थे, बस यही अंतर है। लोग कपड़े के हाथ लगा के यू कर रहे कपड़े को, कपड़ा कैसा है? अरे मैंने कहा भाई तू तो यू कर रहा है तो तू क्या सेंसर है जो पता लगा लेगा कपड़े का कि कपड़ा कैसा है? तू बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन की तरह सोचना। कपड़ा गलत बनाएगी कंपनी तो कंपनी को बंद होना पड़ेगा। लेकिन मजे की बात है, कपड़ा तो नया आ जाएगा, तेरा जीवन वापस दोबारा नहीं आएगा। ऐसा ही आरसीएम का जब पहले प्रोडक्ट आए थे, पेस्ट आया था पहली बार, अब आरसीएम कपड़ा बनाने वाली कंपनी ये पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में 20 अक्टूबर 2002 को पेस्ट लेकर आई और नहाने का साबुन और कपड़े धोने का साबुन लेकर आई, और आपको आश्चर्य होगा तीनों ही प्रोडक्ट खराब निकल गए पहली बार। लो जी सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। अब कंपनी के पास तो अनुभव नहीं था। मजे की बात है, कपड़े धोने का साबुन हाथ में लेते थे ना तो पानी में जाकर वो ऐसे लुगदी बन जाता था जैसे आटा आपने हाथ में ले रखा गोंदा हुआ। नहाने के साबुन में दाने निकलते थे जिससे और स्क्रेच आ जाए आपके चेहरे पर, और पेस्ट था ना पेस्ट, उसमें पेस्ट अलग जम जाता था, उसको दबाते थे तो केवल पानी पानी निकलता था। ये आरसिंह का पहला प्रोडक्ट था। लोग कह रहे थे ये प्रोडक्ट खराब है, मैं बिजनेस नहीं करूंगा, और मुकेश कोठारी कह रहा था कि प्रोडक्ट तो कल ठीक आ जाएगा लेकिन मेरा नेटवर्क अगर मैंने बर्बाद कर दिया तो मैं वापस दोबारा खड़ा ना हो पाऊंगा।
क्योंकि मुझे पता है कि एक अनुभव के बाद सीखा जा सकता है, लेकिन जो समय बीत गया उसको लाने का कोई तरीका आपके पास। और मैंने कसम खाकर इस पे लगा और धीरे धीरे प्रोडक्ट तो अच्छे आ गए, और आज आप अच्छी तरह जानते हैं कि आरसीएम के कितने बेहतरीन प्रोडक्ट है। आज आरसीएम के इतने सारे प्रोडक्ट के साथ इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, जो आरसीएम विजिट करेंगे उनको पता है, जो लोग अभी 16 सितंबर को 15, 16, 17 को आ रहे हैं भीलवाड़ा, उनको पता जाएगा कि कितनी बड़ी कंपनी है। अरे मेरे भाई, थोड़े मोटे छोटे मोटे तो कई लोगों के गांव नहीं होंगे जितना बड़ा तो आरसीएम का आरसीएम वर्ल्ड है। मैंने प्लान देखते ही बिजनेस ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। कहते ना कि जब सोच बड़ी होती ना तो समय ऑटोमेटिक निकलना। लोग कहते हैं मेरे पास मरने की फुर्सत, हिंदुस्तान के किसी आदमी से बोलो ना ये कर ले, अरे टाइम नहीं है अभी। अरे मेरे भाई, टाइम नहीं है तो तू कौन सा उखाड़ रहा है क्या? टाइम होता तो भी कर क्या लेता। टाइम नहीं है, सैलरी 30,000, टाइम नहीं है, सैलरी 20,000, टाइम नहीं है, इनकम 40,000। ओहो, सैलरी इनकम कुछ है ही नहीं और टाइम ही नहीं, अरे भी कर क्या रहे हो। टाइम निकल जाता है जब काम की इंपॉर्टेंस समझ में आती। आपका बच्चा बीमार हो गया, कभी आप कहते हैं कि आज टाइम नहीं है हॉस्पिटल ले ले जाऊंगा? ये क्या चालू कर दिया भाई? कभी आप कहते हैं कि मैं टाइम नहीं है इसलिए मैं बच्चे को हॉस्पिटल ले ले जाऊं? आप ले जाते हैं ना, प्रायोरिटी ऑफ वर्क। जब प्रायोरिटी होती है ना तो टाइम निकाल लेते। जिस दिन आपको ये पता चल गया ना इस बिजनेस से जीवन बन सकता है, आप टाइम निकाल लेंगे। और जब भी प्लान बताने के बाद कोई आपसे ये बोले कि यार भाई साहब कर तो लेता लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसका मतलब आपको समझाना नहीं आता। हम क्या सोचते हैं, हाँ यार ये भाई साहब कैसे करेंगे, इनके पास तो टाइम नहीं है। अरे टाइम नहीं है, समझाना नहीं आता। मेरे पास कोई आओ ना, मेरे पास बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, वो कहते हैं टाइम नहीं है। तो मैंने कहा सर बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन सर ये टाइम नहीं है ये आपकी उपलब्धि है कि आपके लिए शर्म की बात है? वो कहे नहीं नहीं ये तो शर्म की बात है। मैंने कहा भाई आपकी बीवी आपको कहती लो लंदन घुमा के लाओ, तुम घुमा के लाते हो? नहीं सर वो तो पैसे नहीं है और टाइम भी नहीं है। अरे मेरे भाई, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, फिर तुम कर क्या रहे हो? हमारे को देखिए पैसा कितना कि साला खर्च नहीं करे उससे डबल फिर आ जाए, और जो पैसा इकट्ठा किया बैंक में वो बैंक वाला ब्याज दे दे। अगर हम शेयर में डालते तो शेयर वाला डिविडेंड दे देता है, अगर हम प्रॉपर्टी में डालते तो प्रॉपर्टी से इनकम आती है। पैसा इतना कि साला हमारा जीवन में हम संभालना चाहे तो संभाल नहीं सकते, और टाइम कितना, टाइम इतना कि कोई काम ही नहीं। मेरे दोस्त के छोटे भाई की शादी थी, अमेरिका से आया शादी के 3 दिन पहले और हम पहुंच गए शादी में 7 दिन पहले। वो आया 3 दिन पहले, हम पहुंच गए 7 दिन पहले, और हमारे से 5% भी इनकम नहीं कमाता जो अमेरिका में। वो काम कर सकते हैं अब डायरेक्ट से। तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग में काम चालू किया, टाइम नहीं था लेकिन पार्ट टाइम, एवरी सैटरडे हाफ डे की छुट्टी लेता था, हाफ डे सैटरडे और फुल डे संडे, डेढ़ दिन मुझे मिलता था और सुबह शाम का वक्त मिलता था। रात को 8 बजे ऑफिस छूटता था, 8 से 10 बजे तक 2 होम मीटिंग करते थे, फिर घर पर पहुंचते थे, और संडे के दिन 6-6 घंटे 7-7 घंटे प्लान में लगे रहते थे। स्कूटर उठाते थे भीलवाड़ा से गंगापुर, गंगापुर से उदयपुर, उदयपुर से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, 390 किलोमीटर का सफर एवरी संडे को करते थे हम स्कूटर। और मजे की बात, थकान नहीं आती थी। थकान तो तब आती है ना जब हम कोई काम करते हैं, जब हम आराम करते हैं तो थकान नहीं आती, क्योंकि जिस दिन हम प्लान बताते थे और कोई आदमी हमारे यहाँ ज्वाइन होता था ना तो थकान सारी गायब हो जाए। इतना पॉजिटिव बोलते थे कि खून में पॉजिटिविटी आ गई। तो चैलेंज आए, फिर हुआ क्या कि 1 साल हमने पार्ट टाइम काम किया, 1 साल में रोल टीचर बने। रोल टीचर बनने के बाद हमारी टीम के लोगों के सपने जगे, टीम के लोगों के सपने जगे, तो फिर हमने नौकरी को छोड़ दिया। नौकरी को छोड़ दिया तो फिर बिजनेस कम होने लगा, बिजनेस कम होने लगा तो इतना कम हो गया कि 2,85,490 रुपए का चेक आया था वो 1 साल में 2,500 रुपए का हो गया। अब लोगों ने फिर चिढ़ाना चालू किया, आपके भी कभी कम ज्यादा होंगे,
कम ज्यादा होते हैं एनालिसिस करने के लिए कि क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, नींद चेंज की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। अगर कम हुआ है तो क्यों हुआ है ढूंढो ना मेरे भाई, डूबता वही तो है। शेयर मार्केट में पहली बार पैसा लगाता है, डूब जाता है और फिर सबको कहता है शेयर ही खराब है। अरे शेयर ही खराब है तो सरकार ने क्यों रखा हुआ, स्टॉक मार्केट खराब है तो सरकार ने क्यों रखा हुआ। स्टॉक मार्केट खराब नहीं है, तेरी बुद्धि खराब। तो एक बार लॉस में गया लोभ की वजह से, और तू अगर थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करता, लॉस करता और एनालिसिस करता कि ये स्टॉक मैंने क्यों गलत लिया, क्या गलत निर्णय हो गया, तो तू अनुभव लेता जाता तो झुंझुनू वाला बन जाता जो शेयर मार्केट में 1,00,000 करोड़ रुपए कमा जिसकी डेथ हुई है अक्षय एयर जिन्होंने खोली है। अभी नई एयरलाइंस है अक्षय एयर और थोड़े दिन पहले उनकी डेथ हुई शेयर मार्केट में। वो लोग थे जो एनालिसिस करते। तो जब मेरा बिजनेस गिरा तो एनालिसिस किया क्या कमी रह गई, तो बहुत सारी चीजें समझ में आई। डुप्लीकेशन की कमी थी, बेसिक की कमी थी, कोर स्टेट की कमी थी, कॉर्डिनल की कमी थी। और जब ये वापस समझ में आई तो काम चालू किया। आज पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस है, 1.5 करोड़ से ज्यादा की डाउनलाइन है, 16,00,000 एक्टिव लोग हैं, हजारों रॉयल्टी एचआर, हजारों टेक्निकल एचआर हमारी टीम में, डायमंड जैसी पिन हमारी टीम में, सब कुछ जोरदार, एकदम सब कुछ। लेकिन मेरी स्टोरी सुनने नहीं आए हैं आप, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं उसे समझना। ऐसा कब हुआ जब हमें लगा कि अब हमारा बिजनेस चल जाएगा, क्योंकि ये समझ में आया था 3 साल बाद। ये बिजनेस इसका नहीं है कि आपके अंदर कितना दिमाग है, ये बिजनेस इसलिए नहीं चलेगा कि आप कितनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, ये बिजनेस इसलिए नहीं चलेगा कि आप जेंट्स हैं या लेडीज हैं, ये बिजनेस इसलिए नहीं चलेगा कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, ये बिजनेस इसलिए नहीं चलेगा कि आप कितना अच्छा प्लान बता दो, ये बिजनेस इसलिए भी नहीं चलेगा कि कितनी इनकम आती है, ये बिजनेस इसलिए नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, ये बिजनेस इसलिए चलता ही नहीं है। ये बिजनेस चलता है माहौल से। लोग इस बिजनेस को इसलिए नहीं करेंगे कि प्रोडक्ट अच्छे हैं, कमीशन अच्छा आता है, लोग इस बिजनेस को तब करेंगे जब लोगों को लगता है कि पूरी दुनिया कर रही है। और जब जब लोगों को करते हुए दिखा दोगे उस दिन लोग आपके साथ आ जाए, क्योंकि लोग फॉलोवर होते हैं, लोग फॉलो करना चाहते हैं। जिस दिन माहौल बताना सीख गए उस दिन आपका काम हो जाएगा। मैं इस उपलक्ष्य पे एक व्यक्ति का नाम लेना चाह रहा हूं, आदरणीय रामेश्वर चाचा जी, जो अवधेश कुमार जी के चाचा जी हैं और मुजफ्फरपुर में रहते हैं, और रूबी पिनेश। एजुकेशन कितनी, अंगूठा छाप, कभी क्लास में भी नहीं, अंगूठा छाप। बिजनेस में रूबी पिनेश जी, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने उनसे पूछ लिया भाई साहब ऐसा कैसे हो गया। उसने कहा भाई साहब ये इसलिए हो गया कि हमें कुछ आता ही नहीं था। मैंने कहा कोई लोग तो कहते हैं कि आता नहीं था इसलिए कामयाब नहीं हूं, और आप कहते हैं आता नहीं इसलिए कामयाब हो गई, तो बताइए इसकी क्या गणित है। उससे कहा भाई मैं जिसके पास जाते थे सब पढ़े लिखे लोग थे, और मैं किसी को भी समझाता था मेरी कोई बात नहीं मानते थे। तो मैंने एक ही चीज को पकड़ा, माहौल को दिखाना चालू कर दिया, माहौल को दिखाना। तो क्या करते थे, घर से निकलते थे, माहौल बनाते थे, और भाई साहब एक ऐसा बिजनेस दिखाना मुझे, उसमें ना कपड़े पहनने से आदमी लखपति बन जाता है। तो सामने वाला कहता है अरे कपड़े पहनने से कोई लखपति बनता, ओ नहीं सर मुझे भी आश्चर्य हुआ, लेकिन सर अब मैं तो क्योंकि कम पढ़ा लिखा हूं ज्यादा आपको समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर मेरी बात झूठी निकले तो आप जो सजा देंगे वो मैं लेने के लिए तैयार हूं। संडे के दिन मीटिंग है 11 बजे, आप मेरे सामने चलना, भगवान कसम आपको बताऊंगा। और वो क्या करते थे, एक गाड़ी करते थे, उस दिनों 600-700 रुपए लगते थे, इन्वेस्ट करते थे 600-700 रुपए में, और 8-10 बड़े पढ़े लिखे लोगों को बिठाकर सेमिनार में बिठा देते थे। आदरणीय बीसी चावड़ा जी की सेमिनार में, आदरणीय वत्स साहब की सेमिनार में, मुकेश कोठारी की सेमिनार में, और किसी ओल्ड लीडर की सेमिनार में बिठा देते थे, और वो लोग उनको संभाल लेते थे। मीटिंग में जाने के बाद उनका चार्जिंग सामने। दुनिया में हर जगह दिमाग वाला आदमी ऊपर रहेगा। यही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके अंदर कितना दिमाग। अमेरिका में एक लीडर जो जन्म से अंधा था, जन्म से,
1 करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम पर पहुंच गया मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो उसको पत्रकार ने पूछा, भाई साहब तो आप तो अंधे हैं, आप 1 करोड़ पर कैसे पहुंच गए? तो उसने क्या बोला पता है? उसने बोला मैंने अंधे को ज्वाइन नहीं कराया, अंधा तो मैं था ना, मैंने अंधे को ज्वाइन नहीं कराया, सारे आंखें वाले ज्वाइन कराया, उन्होंने बिजनेस कायम कर दिया। अरे अनपढ़ तुम हो सकते हो, छोटे तुम हो सकते हो, काले तुम हो सकते हो, गोरे तुम हो सकते हो, लेडीज तुम हो सकते हो, जेंट्स तुम हो सकते हो, लेकिन तुम तुम्हारी प्रॉब्लम को सामने वाले के पास रखे ऐसा कोई जरूरी तो नहीं। जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो सामने वाले की प्रॉब्लम, ऐसा जरूरी तो नहीं। एक लेडीज कहती हम कैसे काम करें, हम तो लेडीज है घर से बाहर। अरे तुम लेडीज हो, तुम्हारा भाई तो जेंट्स है ना, तुम्हारा पड़ोसी तो जेंट्स है ना, तुम लेडीज हो तो तुम लेडीज को क्यों ज्वाइन कराते हो? तुम जेंट्स को ज्वाइन कराओगे, जेंट्स की तो फिर कोई सीमा नहीं, वो आगे बढ़ जाएगा। तुम ज्वाइन कराओ ना मुकेश कोठारी को, फिर मुकेश कोठारी रुकने वाला नहीं है। और मुकेश कोठारी कोई पैदा थोड़ी होता है, मुकेश कोठारी बनाया जाता है, आदरणीय बीसी छावड़ा जी ने बनाया है हम लोगों को। एक लीडर का निर्माण करोगे, कहां से कहां जाओगे, आपकी प्रॉब्लम कहीं नहीं रुकेगी। माहौल बनाना सीखिए। तो मंत्र नंबर 1 आज से माहौल बनाना सीख जाइए। माहौल कैसे बनेगा? माहौल बनेगा दिखाने से। लोग देखने से ही बिलीव करते हैं, बाकी बिलीव नहीं करते। आज मैं सुबह जयपुर से आ रहा था भाई साहब, मैंने 140 फीट का हाथी देखा। कितने फीट का देखा हाथी? 140 फीट। क्या आपको बिलीव होता है इस बात पर? हेलो, बिलीव होता है क्या? बताओ ना, गर्दन हिला के बताओ, हाँ करके बताओ, बिलीव होता है क्या 140 फीट का भी कोई हाथी होता है? आप कहते यार मुकेश जी आपकी बकबक सुनने के लिए हम ही मिले क्या, 140 फीट का हाथी होता ही नहीं है, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, नहीं मानेंगे, लेकिन अगर मैं आपको ले जाऊं और वो हाथी दिखा दूं तो मानोगे कि नहीं मानोगे? आगे हाँ फिर मान लेंगे, तो दिखा दो, दिखाओगे तो मानेंगे। तुम मुंह से बोल रहे हो आरसीएम बहुत बड़ा है, आरसीएम बड़ी कंपनी है, आरसीएम में लाखों इनकम आती है, तुम बोल रहे हो, वो नहीं मान रहा है। तुम दिखा दो, मान जाएगा, लेकर आए ना यूनिवर्सिटी में, बता दो हिंदुस्तान के कितने करोड़पति है, कितने लखपति है, कितने अमीर लोग इस बिजनेस से बने हैं। जाओ ना आरसीएम वंडरवर्ल्ड पर और बता दो आरसीएम में कितने प्रोडक्ट है, लेकर आओ ना भिलवाड़ा आरसीएम की फैक्ट्री में ले जाकर बता दो कि आरसीएम में कितने बड़े प्रोडक्ट हैं। सब कुछ सामने दिखा सकते हो। दिखाना चालू कर दो मेरे भाई, दिमाग मत लगाओ। आपको कितनी श्रेणी आती है, रोल्टी की कितनी स्लेब होती है, उससे नहीं बनेंगे अमीर आप, बन ही नहीं सकते अमीर आप। दिखाना चालू कर दो मेरे भाई, दिमाग मत लगाओ। आपको कितनी श्रेणी आती है, रोल्टी की कितनी स्लेब होती है, उससे नहीं बनेंगे अमीर आप, बन ही नहीं सकते अमीर आप। आपकी कितना भी ज्ञान हो, उस ज्ञान को कितना दिखा पा रहे हैं आप, उससे अमीर बने। आपके अंदर कितना मोटिवेशन है, उससे अमीर बने। मोटिवेशन कभी अकेले में नहीं आता, मोटिवेशन संयुक्त रूप में आता। किसान ने आंदोलन किया और सरकार झुकी, क्योंकि वो संयुक्त हो गए थे, पावर आ गई। अगर सारे किसान मेरी तरह अभी जूम पर मीटिंग ले रहे होते तो कोई मोटिवेशन नहीं आता। तो वेबिनार से ज्यादा जरूरी है वो सेमिनार जो फिजिकल हो रही है। और मोटिवेशन का, माहौल का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है एनिवर्सरी। अगर एक मीटिंग में ले जाते हैं तो 24 घंटे की चार्जिंग होती है होम मीटिंग। अगर एक सेमिनार में ले जाते हैं तो 7 दिन का एंटी डोज लगता है, जिसे इंजेक्शन कहते हैं, 7 दिन तक चार्जिंग है। अगर आप एनिवर्सरी में ले जाते हैं तो 1 साल का एंटी डोज है वो। हिंदुस्तान का एक लीडर का नाम बता दो, एक जो इस बिजनेस का रूबी एचियर बन गया और कभी आरसीएम के एनिवर्सरी में नहीं गया हो, असंभव। वो जाएगा तो ही बनेगा, क्योंकि मेरे भाई ताजमहल तब बनता है जब ताजमहल के बारे में सोचा जाता है, और सोचते तब है जब लोगों को देखते हैं, लोगों को देखने से मोटिवेशन आता। तो एनिवर्सरी की डेट को ज्यादा याद दिलाऊं कि जरूरी नहीं है, 26, 27, 28। 26 को न्यूट्रीचार्ज का जिसने टारगेट पूरा किया वो आएंगे, 27 तारीख को आरसीएम के एनिवर्सरी है जहां पर आपको सेलिब्रेट किया जाएगा, और 28 को
एनोड श्री जो है वो है कीसोल की, और कीसोल का जो महीना इसी महीने खत्म हो रहा है। करना क्या है, 1500 रुपए मात्र 1500 PV की परचेजिंग करके आप उस एनोड श्री में फ्री ऑफ चार्ज कोई चार्ज के बिना शामिल हो सकते हैं, और 3000 PV में आप कपल के साथ शामिल हो सकते हैं। लेकिन आरसीएम की एनोड श्री में आना और सम्मान से आना, दोनों में अंतर। आम आदमी टिकट लेंगे, सेमिनार में बैठकर चले जाएंगे, उससे कामयाबी नहीं आएगी। ऐसे भाषण तो रोज सुनते हैं दुनिया, बारी बारी नेता आते हैं, एक एक करोड़ आदमी टीवी पर देखते हैं, उससे कोई जीवन नहीं बदलने वाला। फिर वो गलती मत कर लेना कि नहीं सर मैं तो मुकेश जी आपने कहा था मैं एनिवर्सरी में आया था और मैं पूरी अटेंड करके गया। अरे 1000 करोड़ नहीं होंगे कामयाब, एनिवर्सरी में आने से कोई कामयाब हो जाता तो फिर सब दुनिया कामयाब हो जाती, हर साल 25,000 आदमी आते सब कामयाब हो जाते। एनिवर्सरी में वो कामयाब होते हैं जो लोगों को लाकर बिठा दे। अब एक तरीका है, 10 लोगों को लाओ और बिठा दो तो भी कामयाबी तेज नहीं मिलेगी। 10 लोगों को सबके सामने बताना कि आई एम द लीडर। और लीडर के लिए क्या करना है कि ये महीना है, इस महीने में आपको कैसे भी कर रॉयल्टी को हासिल करना। अगर रॉयल्टी को आपने हासिल किया है, जो नए लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो अपने वाइटल लेवल को हासिल कीजिए, लेकिन अगर आपका बिजनेस रॉयल्टी के आसपास है तो आपको इस बार रॉयल्टी पर जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि इससे आपकी टीम को आप पर और बिजनेस पर बिलीव हो जाएगा कि हमारे सामने एक आदमी गया। टीम वो करेगी जो आप बताओ, आप करके बताओ। एक तरीका है टीम के साथ जाओ और आ जाओ, एक तरीका है कि रॉयल्टी की पिन कोर लीडर के द्वारा आपके सीने पर लगाई जाए, उसके साथ फोटो खिंचाया जाए, एक सेज के आपके गले में हो, आपके बैठने का अलग स्थान हो और पूरी टीम जो आपकी बैठी है वो आपको देखे। उनके साथ मत बैठना, कुछ लोग गलती करते हैं सर टीम नाराज हो जाएगी टीम के साथ बैठना ना, टीम के साथ जूनियर लोगों को बिठाओ और आप ऐसी जगह बैठो जहां पर आप टीम को ले जाना चाहते हो। आपको हमेशा वहां पर बैठना है जहां पर आपको टीम को बैठना, और टीम जब देखेगी लगातार कुछ दिन से प्रण ले लेगी हमें भी रॉयल टीचर बनना। कितना ज्यादा दिखाओगे उतना जल्दी काम हो जाएगा। कैसे कैपेसिटी है, सिंपल सा समझ जाइए, इससे आपको बिलीव पैदा होता है। एक गुब्बारा लेना, आज मेरे कहने से एक गुब्बारा लेना, गुब्बारा उसकी साइज को नापना, इन स्टेप ले लेना, नाप लेना, फिर पेपर पे लिख देना, फिर गुब्बारे को फुलाना, पूरी ताकत लगा के फुलाना। पहली बार में आपका गला सूख जाएगा, इतना फुला देना, फूल जाए ना तब उससे हवा फिर निकाल देना, फिर उस गुब्बारे को नापना तो साइज छोटी हो जाएगी कि बड़ी हो जाएगी। हेलो, साइज बड़ी हो जाएगी, और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं सर मैं एक बार बिजनेस बढ़ा दूंगा फिर मेरा कम हो गया तो भी साइज बढ़ा देगा, क्योंकि टीम के लोगों को बिलीव पैदा हो जाएगा इतना तो मैंने पिछली बार भी किया था इस बार भी कर दूंगा। 1-2 महीने हो सकता है बिजनेस कम हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, 1-2 महीने कम हो जाए, लेकिन जब हम टीम को बिलीव दिलाते हैं तो टीम वैसा ही कर। अब पहली बार गुब्बारा फुलाते तो गला सूखता है, लेकिन आप दोबारा फुलाते ना तो कम सूखता है, फिर तीसरी बार फुलाते तो और कम, फिर तो गुब्बारा इतना ढीला होता है कि धीरे से हवा मारो तो भी फूल जाता है। यही तो जीवन का सिद्धांत है, जब हम करके बताते हैं, दोबारा करते हैं तो थोड़ा जल्दी होता है और तीसरी बार में वो मेंटेन होना चालू हो जाता है। लोग केवल पॉइंट के चक्कर में मेरे पॉइंट कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, अरे मेरे भाई इतना बनिया बनना है तो किराने की दुकान लगाओ, फिर आरसीएम बिजनेस करने की जरूरत नहीं है आपको। आरसीएम बिजनेस में जब तक टीम को करके नहीं बताओगे, टीम कभी भी आपसे चाल नहीं होगी, कभी भी चाल नहीं। तो एनिवर्सरी में मिलेंगे बड़ी तैयारी के साथ, इतनी तैयारी कीजिए एनिवर्सरी की, अपनी टीम के लोगों को बिठाइए। और अरे सॉरी भाई मैंने गलती कर दी, मैं माफी चाहता हूं आपसे हाथ जोड़कर। एनिवर्सरी के तो सारे टिकट बिक चुके हैं, एक भी टिकट बाकी नहीं है, मैंने पूरे एनिवर्सरी पे स्पीच दे दी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम एनिवर्सरी में जाएंगे, तो मेरे भाई मुझे माफ कर देना, मैं भाव विवश में आकर लगातार बोल गया कि एनिवर्सरी में जिंदगी बदल जाएगी। हाँ जिंदगी बदल जाती है, लेकिन इस साल नहीं बदलेगी, अगले साल बदलेगी,
अगले साल की एनिवर्सरी में आना, क्योंकि इस साल की एनिवर्सरी के तो सारे पास निकल गए हैं, क्योंकि एक कोर लीडर को 450 पास मिले हैं, एक कोर लीडर को 5000 पास चाहिए, मिले उसको 500 ही है, 450 ही है, तो इस साल तो नहीं मिलेंगे। लेकिन अगली बार आप ध्यान रखना कि कोई भी एनिवर्सरी है उसका अगर एक पास भी आपको मिल गया तो आपकी कामयाबी का कारण बन जाएगा। लेकिन तो मैंने बोल दिया है आपको, चलो एक मंत्र बताता हूं। अब मैंने बोल दिया है कि आपको इतना प्रोत्साहित कर दिया, तो अब मैं आपको एक मंत्र बता देता हूं। एनिवर्सरी के पास आपको चाहिए ना, तो मैं तरीका बताऊं, लेकिन मैं आपसे एक ही वादा चाहता हूं। वादा ये चाहता हूं कि आप मेरे ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। अगर ये वादा करते हैं तो मैं 100% आपको ये बताऊंगा, जो जो लोग वादा करते हैं अपने कान के पास अपने हाथ को ऐसे लाइए, मैं सबकी स्क्रीन पर फोटो देख रहा हूं, अपने कान के पास ऐसे हाथ लाइए, सब लोग अपने कान के पास ऐसे हाथ लाइए, यस मैं सबको देख रहा हूं, अभी कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूं, हाँ यस यस प्लीज प्लीज सब लोग कीजिए। हाँ, तो मेरे से वादा करना मेरे ऊपर ये फॉर्मूला आजमाएंगे नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे पहुंचना है, टिकट नहीं मिले तो भी कैसे पहुंचना, तरीका बताता हूँ। फॉर्मूला सिंपल सा है, बचपन को याद कीजिए, बचपन को याद कीजिए, जब छोटे थे माँ बाप के साथ मेले में जाते थे, और माँ बाप के साथ मेले में जाते तो जिद करते थे, आप क्या करते थे, किसी भी खिलौने को पकड़ते थे और कहते थे पापा जी ये चाहिए, पापा जी के औकात नहीं देखते थे, मांग लेते थे। अब पापा के पास पैसे कम है, पापा का बजट बिगड़ जाएगा, तो पापा धीरे से आपको फुसलाने की कोशिश करते, बेटा अभी तो मेला शुरू हुआ है, आगे और अच्छे खिलौने आएंगे। आप पिताजी की प्लानिंग समझ जाते हैं, पिताजी गुमराह कर रहे हैं, आप कहते नहीं मुझे खराब वाला ही चाहिए, जिद करके बैठ जाते। पिताजी का बस नहीं चलता तो पिताजी माँ की तरफ इशारा करते हैं, तुम समझाओ ना, तो माँ आंखें निकाल कर बोलती है समझ में नहीं आ रहा क्या, आगे बहुत अच्छा आएगा। आप दोनों की कमजोरी समझ गए कि माँ बाप के साथ अगर मैं अकेला घर में होता तो अब तक धुनाई हो चुकी होती, लेकिन माँ बाप अभी मेले में आए हुए हैं, इनके रिश्तेदार और इनके दोस्त भी मेले में आए हैं, और ये मेला मेरा कवच है, और मेले में मेरे को ये मार नहीं पाएंगे। जब ये बात आपको पता चल जाती है तो आप और तेज तेज चिल्लाना चालू करते हैं कि नहीं मुझे तो यही खिलौना चाहिए। जब बात नहीं बनती तो आप और आगे बढ़ते हैं, आप जमीन पर बैठ जाते, मैं जाऊंगा ही नहीं, ये खिलौना नहीं दिला। जब और बात नहीं बनती तो आप जमीन में लौटना चालू कर देते हैं, और उस समय पिताजी को आती है शर्म, माता जी को आती है शर्म, ये पड़ोसी भी मेले में आया और सब लोग क्या कह रहे होंगे, और पिताजी जैसे तैसे करके आपको उस दिन वो खिलौना दिला देते। ये मिला है खिलौना जिद की वजह से, और जो आदमी जिद्दी है ना वो दुनिया में कहीं पर भी जाता। फॉर्मूला समझ में आ गया ना, अपनी अपलाइन के पास जाकर ये मत बोलना सर टिकट है क्या, तो सारी अपलाइन कहेगी टिकट नहीं है, फिर फंस जाओ। अपलाइन को कहना सर मैं तो एनिवर्सरी में जाऊंगा, आपका पता नहीं, आप जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे पता नहीं, क्योंकि अगर मैं नहीं गया ना तो मैं आपको भी नहीं जाने दूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको भी नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं गया तो एनिवर्सरी नहीं होने दूंगा। मेरे भाई हर आदमी की अपलाइन ऐसा ही तो आदमी ढूंढ रही है जिसके अंदर इतना कमिटमेंट हो, और जिस दिन आपके अंदर इतना कमिटमेंट है आपकी अपलाइन आपके लिए टिकट का अरेंजमेंट करेगी, कैसे भी करके करेगी। तो मिलते हैं 26, 27, 28 को दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, जहां पर आपको उस एनिवर्सरी में उस माहौल को देखने का मौका मिलेगा, लेकिन सीने पर पिन लगी हो रॉयल्टी की, और इस साल इस महीने इतना गुब्बारा फुला दो कि अगली बार वो गुब्बारा फुलाना आपके लिए बहुत आसान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे आपने बहुत शांति से और ध्यान से सुना, और मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूं, मुझे 4 मिनट पहले खत्म कर देना चाहिए धनराज जी से, तो मैं क्या थोड़ा फ्लो में आ जाता हूँ, तो पागल टाइप दीवाना टाइप आदमी हूँ भाई साहब, मैंने आज दिन तक कोई स्लाइड वलाइड बनाई नहीं है, बिना स्लाइड के मैं कुछ बोल जाता हूँ और कंट्रोल में नहीं रहता हूँ, तो मैं आपसे एक बार माफी चाहता हूँ कि आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे और बहुत अच्छी तरह से और टाइम बाउंड बात करेंगे। जय आरसीएम, जय भारत, मिलते हैं एनिवर्सरी में, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वाकई में कमाल का प्रोग्राम आज कर रहा, और जितने भी साथी आज ध्यानपूर्वक आपकी जो बातें सुनी है सर,
और जो अप्लाई करेंगे आपने कहा तभी हमारे भी बिजनेस में भी ग्रोथ आएगी। और जो आपने बताया अगर हम एनिवर्सरी में जा रहे हैं और अभी से अगर तैयारी कर रहे हैं, हमारा अगर फोकस वहाँ है, जैसे आपने छठी क्लास से जब ये बात बताई कि उस समय का जो पैसे कमाने का जो फोकस था आज आपको कहाँ से कहाँ लेके आया, अगर हमारा आज फोकस है कि अगर हमें रॉयल्टी पे जाना है तो सर ने जो बातें बताई उसको अगर हम अमल करेंगे तो हम वहाँ पे बिल्कुल पहुँच सकते हैं। तो जो समय बचा है मैं आप सबकी जोरदार ताले के बीच में वीरों के वीर वहा महावीर सर को बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम सर, महावीर सर। जी सर, थैंक यू। कमाल धमाल बेमिसाल, एक बार जोरदार ताली मुकेश सर के लिए बजाइए। आज बहुत सारे आरसी एंड द ड्रीम वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वेयर ड्रीम्स कम ट्रू।